शुक्रवार को विजयनगर इलाके से एक महिला को ले जा रही एम्बुलेंस गाड़ी में ही महिला ने एक बच्चे को उस वक्त जन्म दिया जब वह एम्बुलेंस गौशाला अंडरपास के भीषण जाम में फंस गई। आश्चर्य की बात यह है कि महिला बसा पीड़ा में तड़प रही थी, लेकिन अंडरपास में भीषण जाम लगा था। जैसे ही लोगों ने महिला को एम्बुलेंस में चीखते हुए देखा तो आनंद फानंद में सड़क पर चल रहे कुछ लोगों के द्वारा जाम को खुलवाने का प्रयास किया गया और महिला और बच्चे को तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत रही कि समय रहते ही महिला और नवजात बच्चे को अस्पताल पहुंचा दिया गया। फिलहाल महिला और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। मैम, एक एम्बुलेंस ने महिला ने प्रसव किया है, क्या कारण है, किस वजह से? देखिए, उस महिला का नाम नीमा देवी था, उसका तीसरा बच्चा था और उसने आज तक कभी किसी को हॉस्पिटल में अपना चेकअप नहीं कराया था। ना ब्लड टेस्ट था उसका कोई, ना कोई अल्ट्रासाउंड था। उसको कोई इस बात की चेतना ही नहीं थी कि उसे दिखाना चाहिए हॉस्पिटल में। दर्द हुआ, एम्बुलेंस को उसने फ़ोन करा, उसके पति ने 102 पे एम्बुलेंस पहुंची और उसे लेकर चिकित्सालय आ ही रही थी कि जाम में फंस गई और महिला का प्रसव एम्बुलेंस के अंदर हो गया। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद वो हॉस्पिटल आ गई और प्लासेंटा उसका लेबर रूम में ही निकला है और माँ भी स्वस्थ है और उसके बेटा हुआ है वो भी स्वस्थ है। अच्छा, लगभग कितना टाइम लगा होगा उस जाम में? गाड़ी फंसी रही है एम्बुलेंस, इसमें कितना समय लगा होगा? कितने देर लगा? 15-20 मिनट लग गए उनको। 15-20 मिनट? हाँ, वो 15-20 मिनट पहले आ जाती तो उसकी डिलीवरी लेबर रूम में हो जाती।